यार मैंने ना एक वीडियो में किया हुआ गैप ईयर चलो थर्टी सेकंड बता दो हाँ सत्रह मिनट हो चुके हैं ठीक है आई रैप दिस अप बाय अनदर मिनट्स मैं तुम्हारे क्वेश्चन भी करूंगा आ, पहली बात तो यार गैप ईयर कोई टेंशन मत लो ठीक है मैंने चारू का नाम लिया हुआ है कई बार चारू का दो साल का गैप था बहुत प्यारी बंदी है वेरी इंटेलिजेंट गर्ल दो साल का गैप करके आई एम कलकत्ता के अंदर बैठी हुई है एज वी स्पीक राइट नाउ पूर्वी कर की बंदी है एफ एम के अंदर है उसका भी नियरली वन ईयर का गैप था एफ एम एस क्रैक्ट है बट इंटेलिजेंट बंदे बट उन लोग उन लोगों ने कैट फड़ा था गैप ईयर का सिर्फ एक नुकसान होता है जब तुम उस गोल्डन चेयर के अंदर बैठते हो जब आपका क्यू एंड ए चल रहा होता है उसके अंदर तुम्हें गैप ईयर को अच्छे से जस्टिफाई करना आना चाहिए है ना इफ यूर एबल टू जस्टिफाई वाई दैट गैप ईयर इंडिया में आई 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 टी की तैयारी करने के लिए कई लोग बारहवीं में एक साल गैप लेते हैं इट्स 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 वेरी वेल डन इट्स परफेक्टली फाइन हर्षनी करके हमारी स्टूडेंट थी बहुत पहले दो तीन साल पहले वो आई एम सॉरी नार सिंह गई नारसिंह मंझी काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड अभी तो वो बहुत बढ़िया करी टाटा मोटर्स के अंदर बहुत अच्छा काम करी पहले मारुति के अंदर सॉरी उसका हस्बैंड भी मारुति के अंदर है तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नारसिंह मोंजी के स्टूडेंट्स थे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो बंदी का एक्सेंचर में जॉब थी शी लेफ्ट एक्सेंचर जॉब फॉर कैब प्रिपरेशन नो बी आज इन द इंटरव्यू नारसिंह मुंजी हाँ नो बडी आज इन द इंटरव्यू नारसिंह मुंजी कि भाई तेरा वर्क तेरा गैप क्यों है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तुझे क्यों लूँ तेरा गैप है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर उसका आंसर रेडी होना चाहिए प्लीज अगर जो कॉलेज में हो अपने तो अकेडमिक्स पर ध्यान दो अपने ग्रेजुएशन के नंबर बढ़ाइए फ्रेशर्स को वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है तो आपको जज करेंगे थोड़ा वर्क इसके लिए सम कंपनीज कैन कम एंड आस्क यू कि वी नीड यू गाइस यू शुड बी टॉपर्स ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट्स या तो इसलिए कॉलेज के अंदर उसको ध्यान दीजिए नंबर टू प्लीज़ अपने को करिकुलर्स के अंदर काम करिए को कोरिकुलर्स बोले तो पढ़ाई से रिलेटेड कॉलेज में टेक फेस्ट चल रहा है कॉलेज में बिजनेस फेस्ट चल रहा है हमेशा हाथ खड़ा करिए और को कोकरिकुलर्स ऐड करिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें इफ इफ यू आस्क मी प्लीज़ फिनिश ऑल दीज थिंग्स फॉर श्योर बिकॉज तुम्हारा फाइनल रिज्यू में कैसे दिखने वाला दिखाता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डांस ड्रामा नौटंकी प्लीज स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स इफ यू फ्रेशर इन कॉलेज डांस ड्रामा नौटंकी और एनी काइंड ऑफ

उसके अंदर आपको बैठा के आपके पी ओ आर पूछेंगे जहाँ पे इट कुड भी स्पोर्ट्स एज वेल इट कुड भी स्कूल हेड बॉय कोई है यहाँ पे बताओ टाइप करके स्कूल हेड बॉय वाइस कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड ये सब ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर काम करिएगा आगे चलते हैं बताओ जल्दी बताओ कोई है यहाँ पे आगे चलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैंने आपको बता दिया डांस ड्रामा नौटंकी प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए उन सब चीज़ों के अंदर फिर आपको बताया हाउ डि स्टे मोटिवेटेड विल स्पीक अबाउट दैट प्लीज फाइंड अ वर्क एक्सपीरियंस वाइस वाइस हेड बॉय स्कूल कैप्टन क्या बात है एनसीसी बहुत बढ़िया आगे वर्क एक्सपीरियंस इन एन एन जी ओ इफ़ यू हैव एन वर्क इन एन एन जी ओ यू डॉट एक्जिस्ट यू हैव टू फाइंड अ वर्क एक्सपीरियंस इन एन प्लीज़ अच्छे इंसान बनिए ये बिजनेस स्कूल्स देखते हैं एसपी पी जे बॉम्बे आई एम अहमदाबाद आई एम इंदौर नारसी मुंजी इन सब के प्रोग्राम्स हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉपरेटिव नंबर फाइव सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन कौन से कौन से होते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं मार्केटिंग uh, के जस्ट गूगल मारो कोर्सेरा वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बट कोर्सेरा Uh, और कौन सा होता है तुम्हारा एक और कोर्सेरा से ले लो वहाँ पे जाके जो सर्टिफिकेशन लर्निंग के लिए करो उस सर्टिफिकेशन की जब कोर्सेरा वर्ड आ जाता है ना वो थोड़ा गुस्सा आता है बिकॉज हर बंदे दूसरे तीसरे बंदे ने कोर्सेरा किया हुआ है मैंने एक रिकमेंड किया हुआ सर्टिफिकेशन एंगेज सेवन ठीक है वो पक्का करिए वो मैं जब भी यूट्यूब वीडियो में बोलता हूँ तो एंगेज सेवन एक्स टीम बोलती है मुझे बोल दिया करो सर बच्चों का काफ़ी भला सर्टिफिकेशन क्या है शॉर्ट में बता दूँ यू लॉर्ड ऑफ पीपल हुई आई एम दिस ईयर दे आर डूइंग सर्टिफिकेशन राइट नाउ टू बिल्ड द प्रोफाइल पाँच लोग आएंगे पंद्रह दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे सारे एम बी एस फ्रॉम जमनालाल बजाज नारसी मोन्जी दो अमरीका के बंदे दिल यू वट इज ब्लॉक चेन दिल यू वट इज डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अ अपर लेवल डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाला इज लाइक एक्स जे पी मॉगन एक्स एचर अनिशा मैम पढ़ाते वहाँ पर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो मेरिको के इंटरनेशनल हेड रह चुके हैं तो तो यार ये बड़े बड़े बंदे अगर आधिका मैम ब्लॉक चेन आई डी एम हेड वे पढ़ाते है. तो दिस गाइज विद यू एंड दे विल डू सर्टिफिकेशन इन गेज सेवन एक्स सात या छः हज़ार का इन्वेस्टमेंट है मेरे कहने पर वो करो बट टाइम पास मत करना पंद्रह दिन उनके साथ लगाना हार्वर्ड के केस स्टडीज़ क्या होते हैं एवरी एम बी ए शुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स यूडमी वगैरह आर वेरी गुड टू लर्न बट वो रिज्यूमे के अंदर जो पॉइंटर होता है ना उसके अंदर वो लाइन पढ़ने का दिल नहीं करता है डेट थ्री यूडमी एक्सेट्रा तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट चीजें करो ताकि बढ़िया रहेगा थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन इन बॉयज यू ऑसम स्टे एंड स्ट्रीम को लाइक होगी कैटकिंग येस किंग बैच आज एक स्टार्ट हुआ है और अगला बैच स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे को टीम से बात कर लीजिएगा और विल टॉक अबाउट दैट दैट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट बैच स्टार्टिंग इन बिकॉज जून जुलाई बहुत अमेजिंग टाइम है टीम से एक बार होप्प दीडियो हेल्पल एफियर्स डो इट लाइक बटन एंड कीप स्टे इंटर